हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करनाज रसोई। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मंगोड़ी बनाने की रेसिपी। तो ऐसे तो मार्केट में आपको बनी बनाई भी मंगोड़ी मिल जाएगी, लेकिन घर पर जो हम मंगोड़ी बनाकर तैयार करते हैं, इसे हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। और जब कभी भी आपको सब्ज़ी बनाने की इच्छा हो तो इस मंगोड़ी की आप सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आपके घर में कोई भी थोड़ी सी भी सब्ज़ी बच रही है तो आप उसके साथ भी मंगोड़ी डालकर उस सब्ज़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मंगोड़ी एक ऐसी सब्ज़ी है कि किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाती है और उसका जो है टेस्ट भी बढ़ा देती है। तो आज मैं आपके साथ मंगोड़ी बनाने की पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, किस तरीके से आप दाल भिगोएं और किस तरीके से उसकी पीठी बनाकर तैयार करनी है और किस तरीके से आप उसे आसानी से जो है घर में बना सकते हैं, तो वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मंगोड़ी। तो मंगोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगोना होता है। तो 3-4 बार दाल को अच्छी तरह से धोकर उसकी गंदगी को बाहर निकाल लिया है, और कम से कम दाल में 5 से 6 गुना पानी डालकर इसे भिगोने के लिए हमने रख दिया है, क्योंकि पानी की मात्रा अच्छी होगी तो दाल हमारी जो है अच्छी तरह से भीग जाएगी। तो यहाँ मैंने धुली हुई चोला और मूंग की दाल ली है। आप इसकी जगह छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, और केवल मूंग या चोले की दाल की भी मंगोड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वो आप अपनी हिसाब से बना सकते हैं कि आप किस दाल की मंगोड़ी बनाकर तैयार करना चाहते हैं। और दाल के साथ ही हमने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी भिगो दी, क्योंकि इसी के साथ हम जो है लाल मिर्च भी पीसेंगे, इससे जो मंगोड़ी का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। हाँ, हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हमें जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे, और एक बार इसके अंदर और साफ पानी डालकर और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। तो दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ मैंने 3 किलो दाल भिगोकर तैयार करी है, इसलिए मैं इसे घर में ना पीस कर बाहर जो मार्केट में दाल पीसने की मशीन आती है उसमें इसे पिसा कर लाऊँगी। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में दाल को भिगो रहे हैं तो घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें आप पीस कर तैयार कर सकती है। मैं यहाँ ये मार्केट में दाल लेके आई हूँ, और इसे आप देख सकते हैं एक दाल पीसने वाली मशीन है, इसमें हम इसको पिसवा कर तैयार करेंगे। दाल पिसवाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि दाल को थोड़ी दरदरी पिसवाएँ, ज़्यादा बारीक या ज़्यादा मोटी ना पिसवाएँ। तो दाल पिसवा कर हम घर पे ले आए हैं, और अब इस दाल को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक लाल मिर्च साथ में पिसवाइए ताकि वो एक साथ मिल जाए। और यहाँ पे मैंने आधी दाल की पकौड़ी बनाकर तैयार करनी है, तो इसलिए मैं आधी दाल जो है पकौड़ी बनाने के लिए रख दूँगी, और बाकी दाल की हम मंगोड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये एक गमले में मैंने जो दाल है वो निकाल के रख लिए, जिसकी हम पकौड़ी बनाएंगे, और बाकी जो भगोनी में बची है इसमें हम जो है अब मसाले डालेंगे। तो दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं बिल्कुल लाइट मसाला डालकर इस मंगोड़ी को बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल कम मसाले डालकर इस मंगोड़ी को बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने इसमें डाली है सौंफ, सौंफ को थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट ले, उसके बाद डालें। स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें हींग का पानी। हींग को हमेशा पानी में मिलाकर ही डालिए, इससे जो हींग है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। साथ में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ये सिर्फ इतने से ही मसाले डालकर हम मंगोड़ी का जो ये मिक्सचर है इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैंने पिसवाते वक्त जो है साबुत मिर्ची का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें और मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये मिक्सचर तैयार है, अब हम इसकी मंगोड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम अपने घर की जो छत है उस पर चलेंगे, और आप देख सकते हैं मैंने एक पॉलीथीन बिछा रखी है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन बिछा लीजिए, अगर आपके पास पॉलीथीन ना हो तो आप ये मंगोड़ी किसी भी परात में या थाली में बनाकर तैयार कर सकती है, या फिर कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए उस पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये पॉलीथीन थी जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और इसे बिछा लिया है, और चारों कोनों पर इसके हम एक पत्थर रख देंगे ताकि ये जो पॉलीथीन है ये उड़े नहीं। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों इस मंगोड़ी को बनाकर तैयार करेंगी। तो यहाँ हमारे जब मंगोड़ी या पापड़ बनाई जाती है तो सोन के लिए कुछ रखा जाता है, ताकि जो मंगोड़ी है वो अच्छी बने और उसको नज़र ना लगे। इस तरीके से ये एक तरीके से सोन बनाकर और ये चीज़ें रखी जाती है, जिसमें मैंने रखी है एक लोहे का टुकड़ा है, 2-4 मूंग के दाने, सुपारी और एक कोयले का टुकड़ा रख के अब हम मंगोड़ी बनाना शुरू करें। और कमेंट्स में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी जब कुछ मंगोड़ी या पापड़ बनाने का काम किया जाता है तो क्या इसी तरीके से सोन रखा जाता है। तो अब हम जो है मंगोड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो मंगोड़ी बनाने का ट्रेडिशनल तरीका है कि इस तरीके से हम हाथों में थोड़ी सी दाल लेंगे और थोड़ी थोड़ी डालकर
हम इसे चूटना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो है मंगूड़ी को चूटना शुरू करा है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन हर कोई इस तरीके से नहीं चूट सकता। तो मंगूड़ी बनाने का एक आसान तरीका है कि एक पॉलीथीन की आप कोन बना लीजिए, जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं उस तरीके का एक कोन बनाकर, और उसके अंदर जो है दाल भर लीजिए और आगे से एक थोड़ा सा छेद करके फिर मंगूड़ी चूटना शुरू कीजिए। तो मैं इसी तरीके से आपको मंगूड़ी चूटने का एक तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक कोन बनाकर तैयार कर लिया है, उसके अंदर मैंने दाल भर ली है और आगे एक छेद करके, और अब मैं जो है मंगूड़ी चूटना शुरू करूँगी। तो इससे ये होगा कि हमारी जो मंगूड़ी है वो एक ही शेप की बनेगी, क्योंकि जब अंगुलियों से हम चूटते हैं तो वो एक सा नहीं चूटती है, कोई छोटी या बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम पॉलीथीन में इस तरीके से कोन बनाकर मंगूड़ी बनाना शुरू करेंगे तो वो एक सार बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो इसी तरीके से हम दाल है उसकी मंगूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट में हमने सारी दाल की मंगूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इस मंगूड़ियों को धूप में ही रहने देंगे, पूरा दिन और पूरी रात ये छत पे ही रखे रहेंगे। तो आप भी मंगूड़ी बनाते समय उसे ऐसी जगह पर ही रखिए जहाँ पे उसकी सीधी धूप आती रहे और कोई जानवर भी जो है इसे ख़राब ना कर सके। तो अब हम जो है इसे एक दिन धूप में रहने देंगे और दूसरे दिन फिर हम आपसे मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे सेकेंड डे की जो मंगूड़ी है उसकी हालत है, लेकिन ये ऊपर से ही हल्की हल्की सूखी है, अंदर से बिल्कुल गीली है। तो हम इसे अभी भी नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे लाएंगे तो ये आपस में चिपक कर ख़राब हो जाएगी। तो दूसरे दिन भी हम इसे धूप में रहने देंगे। अब आगे हम जो है तीसरे दिन में देखेंगे कि हमारी जो मंगूड़ी है उसकी हालत कैसी होती है। तो आज इन मंगूड़ियों को बनाए हमें 3 दिन हो गए हैं, और आप देख सकते हैं अभी मंगूड़ियाँ जो है आसानी से उतरने लग गई है। तो अब हम इन मंगूड़ियों को सारी को उतार लेंगे और इसी तरीके से इस पॉलीथीन में फैला देंगे और एक दिन की धूप और देंगे, क्योंकि अभी तक इन मंगूड़ियों में हल्की सी नमी बाकी है और इसे पूरा सुखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तो अगर गीली को ही हम जो है किसी डब्बे में बंद करके रख देंगे तो इसमें फफूंद आने लग जाएगी और दाल की स्मेल होने लग जाएगी, तो हमारी मंगूड़ी है जो ख़राब हो जाएगी। तो अब इसे हम जो है उतार कर एक परात में रख लेंगे और 2-3 दिन तेज़ धूप में इसे रखेंगे ताकि इसमें कोई भी नमी होगी तो वो निकल जाए और हमारी मंगूड़ी जो है वो अंदर तक अच्छी तरह सूख जाए। तो इसी तरीके से हमारी ये मंगूड़ी बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर एक बार घर में मंगूड़ी बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने जब ये बनाई तो आपकी जो मंगूड़ियाँ वो कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।